नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज़ टीवी पर। फिर से मैं आपके लिए स्कूल न्यूज़ लेकर आया हूं। तो जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज सभी के स्कूल कॉलेज ITI और अन्य शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं 31 जनवरी तक। ठीक दोस्तों, और जो हिमाचल में आगामी कैबिनेट बैठक होनी थी वो होनी थी 3 फरवरी को, अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है। आपके स्कूलों पर लेकर चर्चा की जाएगी। आपके स्कूल 31 जनवरी के बाद खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में आपको ये बताने वाला हूं कि अगर खुलेंगे तो कौन कौन से क्लासेस स्कूल से आएगी। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और हेल्पफुल वीडियो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आज के स्कूल न्यूज़ के ब्रेकिंग न्यूज़ पर। तो हिमाचल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 1 फरवरी से शुरू करने की तैयारियां चल पड़ी है, कैबिनेट में होगा फैसला। आइए, मतलब कि जो 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स हैं उनकी कक्षाएं लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ठीक है, और कैबिनेट में होगा फैसला। अब कैबिनेट मीटिंग थोड़ी जल्दी होगी, कब होगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। और कौन कौन से बच्चे जाएंगे, 2 प्रस्ताव बनाए रखे। ठीक है, मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा, आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में पहले से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 15 फरवरी तक छुट्टियां दी जा सकती है। यानी कि जो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो छोटी क्लासेस है, पहली से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको 15 फरवरी तक छुट्टियाँ घोषित की जा सकती है। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 फरवरी से स्कूल बुलाने की तैयारी है। और साथ में ही जो 9वीं से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उन्हें स्कूलों में बुलाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि उनके स्कूल 1 फरवरी से खुल सकते हैं। अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, मैं बताऊंगा कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। ठीक है, शिक्षा निदेशालय ने सरकार को इस बाबत प्रस्ताव भेजा है। 31 जनवरी को कैबिनेट बैठक में इस बाबत अंतिम फैसला होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो इसका फाइनल डिसीजन होगा वो होगा 31 जनवरी को। जैसे ही 31 जनवरी को कोई आपके स्कूल न्यूज़ के ऊपर अपडेट आएगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा। इसलिए जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। जैसे स्कूल न्यूज़ पर छोटा मोटा अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही बताया जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, 31 जनवरी को होगी कैबिनेट मीटिंग, उसमें आपके स्कूल पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि आप लोगों को स्कूलों में बुलाना है या आप स्कूलों को छुट्टियां बढ़ानी है। उसके बाद 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने या बंद रखने को लेकर गुरुवार को प्रधान सचिव ने शिक्षा से विभागीय अधिकारी से चर्चा की। स्वास्थ्य विभाग से भी राय मांगी गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विभाग अधिकारियों ने बताया कि 15 फरवरी तक पहले से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने का शिक्षा निदेशालय ने पहले विकल्प के तहत प्रस्ताव बनाया है। तो आ चुके हैं दो प्रस्ताव फिर से बनाए गए हैं, जैसे कि हमारी सरकार जो है प्रस्ताव बनाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रस्ताव में है कि जो पहली से 8वीं के जो छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हें 15 फरवरी तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो छोटी क्लासेस हैं उनके स्कूल 15 फरवरी तक बंद किए जा सकते हैं, यह है पहला विकल्प। और दूसरे विकल्प में क्या है, दूसरे विकल्प में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 फरवरी से स्कूल बनाने की योजना है। तो दूसरे विकल्प में 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूलों में बुलाने का योजना बनाई रही है। अब दो सोच लीजिए, इनमें से एक विकल्प तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि पहले विकल्प में तो ये है ना कि सभी के स्कूल 15 फरवरी तक बंद करने का निर्णय नहीं है, सिर्फ छोटी क्लासेस का, पहले से 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रखने का फैसला सिर्फ पहले विकल्प में। यानी कि अगर पहला विकल्प चलते हैं तो सभी के स्कूल नहीं होंगे बंद, सिर्फ पहले से 8वीं क्लास के स्कूल बंद होंगे। अगर दूसरा विकल्प जो है 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1 फरवरी से बुलाने की योजना जो है, तो अगर दूसरा विकल्प जो देंगे तो ऑब्वियसली आप स्कूल जाना पड़ेगा 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, शायद आपके स्कूल खुल सकते हैं, पर भी कुछ पता नहीं लगता है, कोरोना बढ़ता है घिरता है, जैसे हमारी सरकार पर डिपेंड करता है कि वो आपके स्कूल बंद करेंगे या नहीं करेंगे। चलो आगे हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार ने फिलहाल 31 जनवरी तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का फैसला लिया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सभी के कॉलेज, ITI, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है 31 जनवरी तक। शीतकालीन स्कूलों में पहले ही 15 फरवरी तक अवकाश है, वैसे ही जो विंटर स्कूल वाले हैं, शीतकालीन स्कूल वाले हैं, उन्हें 15 फरवरी तक पहले से ही छुट्टियाँ हैं। कॉलेज 5 फरवरी तक बंद है, साथ में ही जो कॉलेज है वो भी 5 फरवरी तक बंद है। ठीक है दोस्तों, तो आपके स्कूल अब चांसेस है कि आपके स्कूल खुल जाएंगे। देखो ना, इसमें दो विकल्प बनाए, पहले विकल्प में बनाया है कि पहले से 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको उनके स्कूल 15 फरवरी तक बंद कर दिए जाएंगे। दूसरा विकल्प है 9वीं से 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूलों में बुलाने की योजना बनाई जा रही है। तो देखते हैं हमारी सरकार कौन सा विकल्प चुनेगी। ठीक है, शायद मे भी आपके स्कूल खुल सकते हैं, पर मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पूरा फाइनल नहीं है, जो फाइनल डिसीजन आएगा
वो 31 जनवरी को आएगा। जैसे 31 जनवरी को कोई अपडेट आएगा स्कूल न्यूज़ के ऊपर, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर बताया जाएगा, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको मेरे चैनल पर इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मेरी वीडियो को अकेले अकेले नहीं देखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स अपने दोस्तों को शेयर करनी है, ठीक है दोस्तों। और नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी का ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जाते जाते कमेंट करें और शेयर जरूर करें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखें, ठीक है।